ये देखो गाइस, और इस तरफ है, ये है सारा व्यू ऐसा है इसका, और लाइक पूरा व्यू है। इधर ये एग्जिट का है एंड आई एम इन राइट नाउ एंट्रेंस गाइस। तो फ्रंट पे चलते हैं, देखते क्या होता है। तो व्यू देख सकते हो गाइस, व्यू कुछ है, ये है कुआ। और गाइस अपन कुएं पे आ चुके हैं, तो देखते हैं कुएं का क्या सीन है। ये कुएं का कुछ ऐसा है। तो गाइस कुआ मुझे दिख चुका है, कुआ मुझे दिख चुका है गाइस। ये देखो कुआ, कुएं में कम से कम 200-300-500 लोग ऐसे, कितने लोग जब अंग्रेजों ने गोली चलाई थी तो गिर गए थे, आधे तो आधे खुद कूद गए थे कि वो उन्हें गोली से डर था। तो बाकी ये कुआ इतना गहरा है ना, इतना गहरा है, मैं मतलब व्लॉग में ही देख सकता हूँ। तो आप कुएं से आ गए हम यहाँ पर, जहाँ पे गोली के निशान, गोली लगी थी। की बात है कि हमारे देश में इतने गद्दार लोग हैं तो ये सब करते हैं, और कुछ सीधे शरीफों की जान चली जाती है, वो अपनी बलि दे देते हैं। दिखाने वाले हैं एक लोकेशन और, यहाँ पर भी गोलियाँ चली थी पहले बहुत ज़्यादा, और बड़ा दुख होता है यार, देखिए गोली खाली चली थी। देखो इमोशंस होते हैं ना, वो दिखते हैं जुम का दिखाऊंगा मैं, कड़े वगैरह देखो ये है। हमारा से ब्रदरहुड ढाबे पे हमारी 4 बजे की ट्रेन है और 2 बज रहे हैं इस वक्त, तो देखते हैं भाई। बाकी यहाँ का कुलचा इतना पसंद है यार, सुबह शाम तो वही खाते हैं। बाकी भाई प्रेम भाई आप बताओ भाई, बहुत अच्छा कुलचा है, मतलब फेमस कुलचा है यहाँ का, बहुत मस्त कुलचा है। बस भूख लग रही है, कुछ बता नहीं सकता, एनर्जी डाउन हो गई बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना अमृतसर, तो पक्का अमृतसर में यही कुलचा था ना, 140-150 रुपये का था, 60 रुपये। तो फिर से खा के कैसा लग रहा है? खाना खा के बात की। इधर एक स्ट्रीट है, इधर अपना बैग पिक करके होटल जाके बस अपना बैग पिक करते हैं और सीधा स्टेशन। यहाँ के देखो यहाँ के कितने खूबसूरत है यार, ये चीज़ बोले यहाँ की, ये यहाँ का इंटीरियर है, ये बड़ा प्यारा लगता है। पहुँच गए अमृतसर जंक्शन पे, अमृतसर रेलवे स्टेशन। तो अब चलते हैं गाइस, घर चलते हैं, बहुत हो गया पंजाबी लैंग्वेज। हाँ, अमृतसर ट्रिप कंप्लीट हो चुका है और हम स्टेशन पे आ चुके हैं, और हमारी ट्रेन लगने वाली आने वाली है बस। हाँ, बाकी फिर एक चीज़ है, जब जहाँ भी कहीं जाता है इंसान, वहाँ पे यार बहुत सारी यादें जरूर लेके जाता है, और ये यादें हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हम यादें बहुत सारी लेके जा रहे हैं, और आपको भी यादें रखनी है, और हमारी आगे की यादें भी आपको यादें रखनी है, तो जो सब्सक्राइब कर लेना। ट्रेन इज कम ब्रो, सामने से ट्रेन आ रही है, कोच है ये वाला। और बाकी अच्छा रहा सब कुछ यार, सफर ना आपकी बारी, अगला ट्रिप लेते हैं यार, मुंबई मुंबई चलते हैं अगले पे ना, या कहीं भी देखते हैं। बाकी सही रहा यार। और भाई बताओ भाई, कैसा रहा ट्रिप, कैसा लगा? कैसा ट्रिप? बहुत मस्त था, बहुत अमेजिंग ट्रिप रहा अपना। तो रहा आ चुका है, पिज्जा मंगवा दिया है, बहुत भूख लग रही थी तो सोचा कि पिज्जा मंगवा दिया जाए अपने, पिज्जा और यहाँ सबको बांट देंगे पिज्जा। हमारे सबका ये था कि ट्रेन पे फ्री सर्विस कर दे, ऐसा ट्रेन में पिज्जा खाने में मजा, ट्रेन पे पिज्जा खाने का अलग ही मजा यार, यू नो दैट गाइस। तो अब चलो फ्री फ्री में बांट देता हूँ मैं, लीजिए आप। इस बात ऐसी है, हमें कोल्ड ड्रिंक कहीं भी नहीं मिल रही थी, तो हम पैंट्री में आ गए कोल्ड ड्रिंक लेने। कोल्ड ड्रिंक इधर मिलेगी? मैं एक दो लोग हैं, एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। गाइस बात ऐसी, हमें पैंट्री से कोल्ड ड्रिंक तो मिल रही थी, इनकी सर्विस ऐसी है कि हमने कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछा, दे डिनाइड, डिनाइड कर दिया यार कोल्ड ड्रिंक के लिए। और हम आए तो हमें लोकल कोल्ड ड्रिंक थमा दिया, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता व्हाट अबाउट द सर्विस, दिस पे ऑलमोस्ट नॉट गुड एंड कोल्ड ड्रिंक बहुत बढ़िया भाई, कोल्ड ड्रिंक है रैलीस करके कुछ, चलो कोई नहीं, मिली तो यार कोल्ड ड्रिंक। एंड ये मैं अपने कोच पे जा रहा हूँ। तो गाइस बात ऐसी है, आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो बात ऐसी थी, कोल्ड ड्रिंक मिली हमें, बट कोल्ड ड्रिंक मिली, कोल्ड ड्रिंक मिल गई बट लॉकर मिली। ऑल राइट, यू मैनेज। ऑल राइट गाइस, तो स्टेशन का ये अमृतसर का टूर, मोदीनगर से अमृतसर का, अमृतसर से मोदीनगर का टूर खत्म हो चुका है। एंड अब आप आ चुके सरायखाले खां मेट्रो स्टेशन, एंड वी वर गॉन फॉर अ हॉप, ऑल दैट शिट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो ट्रेन भी लेट हो गई थी थोड़ी सी, बैठ लेट हो गई थी, और भाई ट्रेन में क्या कॉन्सिडेंस हुआ, बंदा भाई लिटरली भाई उसका फोन ऐसे स्नैच हुआ, हमने तो भाई व्लॉग बने कि हम नहीं कर रहे व्लॉग ट्रेन पे, तो कुछ नहीं कर, जब ही डर लगा जब ही फोन चल गया था भाई, पब्लिक को कैसे दिखाएंगे व्लॉग, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा भाई, बहुत ही तगड़ा वो, हम बता नहीं सकते यार क्या कॉन्सिडेंस, जब सबका जमान था यार, ऐसे बंदों के फोन ले लो, बंदा इतना जेन्युइन बंदा था लिटरली, बहुत जल्दी ये तो है। चलो गाइस कोई नहीं, मिलते हैं अभी, बहुत ज़्यादा शेयर कर चुके हैं यार, थक चुके हैं बहुत। हाँ।
और गाइस चलते हैं आपका।